आज हम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को ऐसा पढ़ेंगे कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लाइन एक्सप्लेनेशन में हम लाइन को कैसे पढ़ें इसे हम कवर करेंगे, और यह बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में होगा। ओके, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो वीडियो है मैंने वह हिंदी में भी बनाई है और इंग्लिश में भी आपको मिलेगी, और इंग्लिश में सबटाइटल के साथ मिलेगी। ओके, तो आप जो है वह देख लें पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और यहाँ पे जो है इसे हम ऑब्जेक्टिवली और लाइन एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रख के इसे करेंगे, और यह एक ऐसे मेथड के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप इसे आसानी से नहीं भूल सकते हैं। कहीं भी एमसीक्यू आपको दिखे और शायद कोई ऐसा एमसीक्यू ना हो जो छूट जाए। क्लियर? तो चलिए हम इसे अब शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो है किनके द्वारा लिखी गई है बता सकते हैं? किसने लिखी है? यह जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। ओके, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? जॉन डन का जन्म 1572 में, और इनकी डेथ जो हुई थी 1631 में हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? यह जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। ओके, और इनका जन्म 1572 और 1631 में इनकी डेथ हुई है। क्लियर? यह जो है एक नए क्लास की पोएट्री जो है लिरिक और सैट्रिकल वेन में जो है यह शुरू करते हैं। तो किस चीज़ के ये पायोनियर हैं? वह जो पोएट्री है वो कौन सी पोएट्री कही जाती है? आपने पढ़ी है, यह है मेटाफिजिकल। किस चीज़ के वो पायोनियर हैं? मेटाफिजिकल। किस चीज़ की उन्होंने शुरुआत की? तो मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री का अर्थ जो है पूरी तरह से डिफाइन किया गया, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्लियर? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, बिल्कुल याद रखें। और ये किस फैमिली से थे? मैंने यह बताया है वीडियो के अंदर कि क्रिश्चियंस जो हैं खुद को दो डिवीजन में उन्होंने भी बांटा है, जिसमें एक जो होते हैं जिन्हें हम रोमन कैथोलिक और दूसरे जो प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ये कौन से फैमिली से आते हैं? रोमन कैथोलिक। किस फैमिली से? रोमन कैथोलिक। और ये जो है ट्रेडर के फैमिली से थे। ओके, व्यापारी के फैमिली से थे। क्लियर? और इनको जो है अपने रिलीजन की वजह से, क्योंकि उस वक्त जो इंग्लैंड था वो पूरी तरह से स्टॉन्चली वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता था, एंटी कैथोलिक था, जिसकी वजह से उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्या बिना डिग्री लिए हुए बता सकते हो उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर? इन्होंने किस किस चीज़ की पढ़ाई की? तो ये लॉ पढ़े और रीड इन्होंने जो है वह थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। कितने इन्होंने जो है नेवल एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया? नौसैनिक। ये एक्सपीडिशन जब कोई कार्य होता है, साहस वाला कार्य जिसको कहते हैं, तो ये टू, यहाँ पे टू याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो आप याद रखेंगे। इन डैश, एट द एज ऑफ डैश ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। उन्हें जो है पोस्ट मिला, ऑर्डिनेशन उन्होंने लिया। ओके, कितने की उम्र में? एक प्रीचर का बता सकते हैं कब? तो 1615 में। कितने साल की उम्र में? एट द एज ऑफ 42 ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च। ओके, उन्होंने एक ट्रेडिशन को तोड़ा, यानी जो पहले से जितने भी पोएट थे वो एक खास ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं, उस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया जाए, और इन्होंने जो है मेटाफिजिकल पोएट्री में उस ट्रेडिशन को ख़त्म करके, तो उस ट्रेडिशन को लाने वाला जो एक पोएट था वह इटली का था, याद करें, पेट्रार्क। तो पेट्रार्कन ट्रेडिशन, पेट्रार्कन ट्रेडिशन। क्लियर? उनके वेल नोन जो वर्क हैं, उनके वेल नोन वर्क क्या आप बता सकते हैं कि उनके वेल नोन वर्क कौन कौन से थे? तो पहला जो वर्क था उनका वेल नोन, वो सेटायर्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स और सरमन्स, एलेजीज,
ये जो थे उनके वर्क्स थे। क्लियर? तो यहां पर ये पूरा क्लियर हो गया कि स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखी गई, जिनका जन्म 1572, जिनकी डेथ 1631, वो मेटाफिजिकल पोएट्री के जो है पायनियर हैं, यानी अग्रदूत हैं। उनका जन्म लंदन में हुआ था और वह रोमन कैथोलिक फैमिली से थे और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है छोड़ना पड़ा उनके रिलीजन की वजह से, बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए। और उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और थियोलॉजी भी उन्होंने पढ़ा और वह दो नोवेल एक्सपेडिशन में जो उन्होंने हिस्सा लिया, और 1615 में 42 साल की उम्र में उन्होंने ऑर्डिनेशन जो एंग्लिकन चर्च में प्रीचर का उन्होंने लिया, और उन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ा। और उनके जो वेल नोन वर्क हैं वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैं, सेटायर्स हैं, एलिजीज हैं, ओके, सरमन्स हैं। तो ये सारे जो इनके वर्क हैं, तो ये स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो में यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो, इसमें कैसी पोएटिक फीलिंग्स है, जेन्युइन। कौन से मीटर का इस्तेमाल हुआ है, हार्श मीटर, कड़ा। और इमेजेस विम्सिकल इमेजेस, मजाकिया, व्यंगनात्मक। कितने स्टेंजा हैं पूरे इसमें, 5 स्टेंजा हैं। स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो इज, ये सोनेट है, ओड है, लिरिक है या बैलेड है। सोनेट कहते हैं 14 लाइन की पोएम को, और ये खास मीटर को फॉलो करते हैं जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सोल्जर। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट मोर देन यू कैन सी और वॉच दैट वीडियो इन द सोल्जर, ओके। तो ये और ओड जो है, किसी भी को अगर हम एड्रेस करते हैं, एड्रेस करके पोएम लिखते हैं, वो ओड होता है। किसी को एड्रेस किया गया, जैसे ओड टू ऑटम, उसमें ऑटम को एड्रेस किया गया। और लिरिक म्यूजिकल, जो सॉन्ग हो एक तरह से। और बैलेट जो गाने के लिए लिखी जाती है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मर्नर, ये लिखी गई है आपके एसटी कॉलेज के द्वारा। तो यहाँ पर ये लिरिक है। स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो इज एड्रेस, किसको एड्रेस किया गया, या अपने बिलोवेड को, अ प्लस वाइफ जिसका नाम एन मोर है, ANNMORE, ओके। ओकेजन ऑफ द पोएम, पोएम का ओकेजन ये है कि पोएट जो है वो फॉरेन लैंड जा रहा है, कंटिनेंटल ट्रिप के लिए जा रहा है। डन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो, डन ने अपने आप को कैसे संबोधित किया है, फर्स्ट पर्सन में आई से संबोधित किया है, या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी से, थर्ड पर्सन ही या दे से, कैसे किया है वह, तो वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई से करता है, क्योंकि स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो आई का इस्तेमाल करता है। इट इज, यह कौन सी पोएम है, डिडेक्टिक पोएम है, एलेगोरिकल पोएम है, लव है या वॉर है। डिडेक्टिक बोलते हैं जिसमें हम उपदेश देते हैं, जिसमें उपदेश हो जिस पोएम के अंदर, वो डिडेक्टिक। एलेगोरिकल जिसके अंदर दो लेयर की मीनिंग हो, एक मीनिंग जो हो बिल्कुल सिंपल और दूसरा मीनिंग बहुत अंदरूनी मीनिंग हो, जैसे एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल के लिखी गई है, वो एलेगोरिकल है। उसके बाद जॉन बुनियान की एक फेमस वर्क है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो भी एलेगोरिकल है। और लव जो लव सॉन्ग हो, और वॉर द सोल्जर जो है एक वॉर पोएम है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे यह लव पोएम है। क्लियर? यहाँ क्लियर क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस लिखे हुए हैं इस पोएम से, स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो से। ये तो लाइन यहाँ मैं स्विटिस्लाव आई डू नॉट गो बता रहा हूँ, इसकी वजह से लाइन तो आप पकड़ सकते हैं कि ये इसी से ली गई है, लेकिन जब ऐसे आए तो कैसे पकड़ लेंगे। ये आपने पोएम अगर सही से पढ़ी होगी तो हर जो है स्टेंजा में एक या दो कीवर्ड्स जो है वो आपने अपने दिमाग में रखे, एक मेन पॉइंट्स दिमाग में रखे। खैर, पहले हम इस लाइन को देखते हैं। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ये आप बता सकते हैं कहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा ये लाइन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन इस्तेमाल हुआ होगा, टेल मी। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, यह जब कवि अपनी जर्नी की तुलना सूरज के जर्नी से करता है तो वहाँ पे ये लाइन इस्तेमाल करता है कि उसके पास डिजायर नहीं है, उसके पास सेंस नहीं है। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, ये भी उसी स्टेंजा से आया है। क्लियर? ओ हाउ फिबल इज मैंस पावर, ये बिल्कुल एक अलग स्टेंजा का पहला जो है लाइन है। यहाँ पे फिबल याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है MCQ में मैंस पावर को पूछता है कि क्या है, तो फिबल, तो हाउ फिबल मैंस पावर, मनुष्य जो है कितना कमज़ोर है, कितना निर्बल है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और यह लाइन भी इसी से है,
इसी स्टेंजा में है कि जब हम पे कोई विपत्ति पड़ती है तो वह जो है उसे हम सोचते सोचते अपने जो शक्ति को है उसकी शक्ति को हम बढ़ा देते हैं, विपत्ति की शक्ति को बढ़ा देते हैं। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, यह कहाँ पे है, यह साई वाला जो लाइन है आहे भरने वाला, ये वहाँ से लिया गया है। तो हर जगह जो है आप कहीं भी लाइन पकड़ लेंगे और एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहले स्टेंजा में हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, यहाँ पे जैसे स्वीटेस्ट लव आएगा तो ये तो ऑलरेडी आप पकड़ लेंगे, वियरनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखिए इसी स्टेंजा के अंदर, अ फिटर लव फॉर मी मस्ट डाई एट लास्ट, ओके डैट बाई फिंड डेथ टू डाई, तो ये सारे लाइन्स जो हैं आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे अगर आप पोएम को सही से देख लेंगे। रो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यहाँ पे सन से पूरा रिलेटेड ये लाइन है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, यहाँ मैंस पावर से रिलेटेड है पूरा। नेक्स्ट में जो है ये साई से रिलेटेड है कि कैसे अगर वो साई करती है, आहें भरती है, तो वो सिर्फ हवा का झोंका नहीं होता, वह जो पोएट का लाइफ जो है, ब्लड जो है, उसको वो डिके करता है। तो ये पूरी लाइन उस पर बेस्ड है। और लास्ट में जो है, अपने हार्ट को जो है मेरे बारे में बुरा सोचने के लिए मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो हो सकता है कि फॉर्च्यून जो है अपना पार्ट कर ले, ओके, और बुरा जो है मेरे साथ हो जाए। तो ये पूरा जो है उस पर डिपेंड है। और ऐसा सोचो कि हम दोनों जो हैं वह किसी एक बेड पे हैं, टर्न्ड हैं, तो ऐसा वो बताता है। और कभी भी जो सच्चा प्यार होता है वह कभी भी इस दूरी, ये दूरी कोई मायने नहीं रखता है। तो यह जो है पूरा पोएम ऐसे है। तो आप लाइन को पकड़ सकते हैं एंड यू कैन राइट इट इन बेटर वे, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी ईजी फॉर यू इफ़ यू हैव मेन पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द लाइन, अगर कोई लाइन आता है तो लाइन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो लाइन के आगे पीछे की चीज़ों को लेकर आप लाइन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ओके। और लाइन एक्सप्लेनेशन करने में आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कॉमा इज रिटन बाई जॉन डन, इन दिस स्टेंजा या इन दिस लाइन He wants to tell or he wants to express या he expresses, he depicts, he portrays, ओके, इस तरह के वर्ड्स जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अगर लाइन एक्सप्लेनेशन जब मैं करवाऊँगा तो वहाँ पर मैं पूरा लिख के भी बताऊँगा, ओके। तो यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हमने जो है वह कम्प्लीट किया, वी हैव कम्प्लीटेड। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड, देन डोंट फील एनी हेजिटेशन टू कमेंट मी, कमेंट जरूर कीजिए इन कमेंट बॉक्स, अगर इफ़ योर कमेंट इज अप्रोप्रिएट देन डेफिनेटली आई रिप्लाई, और मैं हमेशा रिप्लाई करता ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ऐसा आपको लगता है कि सम कॉर्नर इज मिसिंग, ओके, तो आप वो भी बता सकते हैं कि वो चीज़ सर छूट रहा है और ये क्वेश्चन जो है हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये टच नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम्स है देन फील फ्री टू कमेंट एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई। एंड मैं सोचता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, एंड इफ़ यू फील लाइक दैट देन आप उसे ज़रूर एक्सप्रेस करें क्योंकि इट गिव्स मी एनर्जी, ओके। अगर फिर भी कोई और भी क्वेश्चन हो इसके अलावा वो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखें, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।